हाँ सुनो सुनो। नहीं ये वाला नहीं चलेगा, एक दो तीन चार वाला चलेगा। तो सो वैसे तो बेगिंग के फेवर में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। कल छोटी सी एक बच्ची मिली, बहुत ही प्यारी सी और अनटाइडी फेस, बिखरे हुए बाल, थोड़े गंदे थे लेकिन फिर भी वो बाल उसके बड़े अच्छे लग रहे थे। और चेहरे की जो उसकी स्माइल थी ना, वो हार्ट विनिंग थी। मतलब आप कितनी भी ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम्स में हो और ऐसे अगर कोई बच्ची आपको मिल जाए तो यकीन मानो आप दो मिनट के लिए उसके ही हो जाओगे। छोटी सी थी, क्यूट सी, बैठे, भैया 10 रुपये दे दो। मैंने कहा 10 रुपये मैं नहीं दूंगा। तो भैया 5 रुपये दे दो। मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, एक काम करो, गिनती सुनाओ। बगल में मेरे भैया थे तो उसने तुरंत गिनतियाँ सुनाना स्टार्ट कर दी, 1 2 3, मतलब हिंदी में 1 2 3 4 5 6। अमूमन मैं ऐसा ही करता हूँ। कानपुर में विजयनगर का एरिया है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे भीख मांगते हैं। ये इंटेंशनली मांगते हैं या फिर कोई उनसे मंगवाता है, ये इसमें डाउटफुल है। तो मैं उनसे भी यही कहता हूँ। तो हार्डली एक बार ही ऐसा हुआ था कि एक बच्चे ने मुझे 50 तक काउंटिंग पूरी सुनाई थी। वो काफ़ी एज का था लेकिन 50 तक सुना पाया। ये छोटी सी बच्ची 30 तक तो बढ़िया सुनाया उसने, केवल 26 को स्किप किया। और उसके बाद उसने तुरंत हाथ फैलाया, बोला अब दे दो। दोस्तों ये वो बच्चे हैं जिनमें एनर्जी बहुत है लेकिन इनके पास माहौल नहीं है। अब ऐसे बच्चों को ढूंढना, उनको माहौल देना शायद हमारे आपके अकेले के बस की बात नहीं है। लेकिन हाँ, इस प्रयास को सफल बनाया जा सकता है अगर हम सब लोग मिल करके थोड़ा थोड़ा ध्यान दें। जहाँ पे ऐसे बच्चे हों, ऐसे लोग हों, हमसे जो बेस्ट हो सके हम उनको दें, हम उनको अच्छी एजुकेशन दे दें अगर हमारे पास है। हाँ, हम उनको खाना दे सकते हैं, हम उनको कपड़े दे सकते हैं, हम उनको थोड़ा सा एक अच्छा ज्ञान, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको कोई ले नहीं सकता, उनके अगर बन जाए माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। हो सकता है किसी एक बच्चे में भी सुधार आ जाएगा ना, तो यकीन मानिए आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। ढूंढिए ऐसे बच्चों को और जो आपसे ऐसा हो सके अच्छे से अच्छा प्रयास कीजिए, कम से कम एक तो बच्चा सुधरे।